राम जी सारे ना ठीक हो, सारे उम्मीद सारे ठीक होंगे। मैं तैयार हो चुकी हूँ निकलने के लिए, जहाँ जा रहे हैं क्या करेंगे क्या है आज का व्लॉग, मतलब बहुत स्पेशल है हर वे में, वो क्या है क्या नहीं आप लोग देख लेंगे, पर पहले पेट पूजा बाद में काम दो जा। अगर हम करेंगे तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे। सो फर्स्ट मील इज नॉट जस्ट ओट्स प्रोटीन, साथ साथ मेरी कोशिश होती है कि अगर मैं घर हूँ तो कॉलेजन भी ज़रूर लूँ, उसे क्या बेनिफिट्स है वो आप गूगल कर सकते हो, तो बढ़िया चीज़ है, तो आप लोग भी अपनी डाइट में जो ऐड ऑन कर सकते हो। ये तो हम चलते चलते भी खा लेंगे। हाय शेयर्स कहाँ गई, आप आओगे तो पहले लगा लेते हैं शेयर्स, क्योंकि हाई राम इसमें भी ना है, जब आपका एक हाथ बिजी हो ना फीलिंग बेटर। कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं हम, हमारी जो डेस्टिनेशन है वो 10 मिनट की दूरी पे 5 किलोमीटर का रास्ता हमें तय करना, और हम जा रहे हैं फोर्ड एज अ इमिग्रेंट, मतलब आप कैनेडियन नहीं हो और कैनेडा आ रहे हो, मतलब जैसे मैं आई हूँ इंडिया से, कोई किसी और कंट्री से आ रहा है, तो लाइफ को थोड़ा ईजी करने के लिए आपको यहाँ पर अपनी पर्सनल कार, अपना पर्सनल स्पेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर मान लो आपको एक जगह जाना है ना, आप अगर बस से भी ट्रैवल कर रहे हो, आपकी जर्नी अगर बस से एक घंटे की है डेढ़ घंटे की है, तो वो 3 से 4 घंटे लग जाते हैं आने जाने में, और मुझे आए हुए भी 1.25 साल हो गया। चलो मेरे पास टचवुड भी खास था, तो मेरे को चीज़ें इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं रही, बट के लिए गाड़ी एक सख्त ज़रूरत वाली चीज़ होगी है, कि कौन सी गाड़ी है क्या है, सिर्फ ये फाइनल हुआ है कि हाँ गाड़ी लेनी है, और इस मंथ में, मतलब हो सकता है एक वीक में भी, हो सकता है आज ही, हो सकता है कल भी, ऑब्वियसली गाड़ी देखें तो गाड़ी के शोरूम जाना रहेगा, कौन सी है कौन सी नहीं है वो मैं थोड़ा सा सस्पेंस तो रखूँगी। जब आप नए नए किसी भी कंट्री जाते हो तो आपको हर एक चीज़ जमानी पड़ती है, सेट करनी पड़ती है, अपने अकॉर्डिंग टाइम लगता है, टेक्स टाइम राइट, तो उसके बाद भी मैं एक ये रिस्क की तरफ बढ़ रही हूँ, तो मैं कुछ सोच समझ के जा रही हूँ, बट जो भी होगा मतलब भगवान का लेगा राम का नाम और अपने खींच देंगे काम। तो मेरे तो युवती सस्पेंस आप लोग काम रहना, जो कौन सी गाड़ी लाओगी या साके तोबली गाओगी वही जो भी होगा वो अपने खातिर तोबा होगा, ठीक है लेट्स सी लेट्स गो रन। ओके सॉरी शोरूम इससे लाइन में आ गए, पूछ के भाई एंट्री मार दो, इससे आगे जस्ट टोयोटा का है वहां पे वो, सो यस पहुंच गए, चलते हैं देखते हैं कौन कौन सी गाड़ियां यहाँ पे और क्या कुछ है। हाई होगी तो आपको ऊपर भी जा सकते हैं, ब्लैक कर तक तो ये भी बढ़िया भाई। जो गाड़ी मैं माइंड में लेकर के आई थी कि वो चाहिए है वो देखनी है, उससे माइंड हटा करके अभी जो ये देखा है इस पे यार ये भी माड़ी चीज़ नहीं। इसमें कितना टाइम लगेगा बुकिंग वुकिंग कराने में, 150 मतलब मेरा जो पर्पज़ है ना वो मैंने इनको बताया, तो उसके बाद इन्होंने कहा एक बार इसमें बैठ के देखो, सच में वाइब है, लेकिन तो मैं सोच के ही नहीं आई थी, मेरी लिस्ट में ही नहीं था, उसके बाद भी ये देख करके मेरे को ही हो रहा है यार इसको हम एक ऑप्शन कंसीडर कर सकते हैं। बड़ी कंफ्यूजन है रे भैया, कंफ्यूजन तो भी और क्रिएट होनी है क्योंकि इतनी सारी देखने जो लिस्ट में है, क्योंकि बिना सारे कुछ देखे बिना तो मैं कुछ भी फाइनल करने वाली हूँ नहीं। इलेक्ट्रिक के लिए जाना है ना तो अपने पास एक ये भी है, पर इलेक्ट्रिक को मैं अभी तो कंसिडर नहीं कर रही हूँ, फ्यूचर इज़ इलेक्ट्रिक, तो उस पर्पज़ से तो ये बढ़िया है पर इतना बढ़िया नहीं चाहिए। ब्रोंको और यार लुक तो सही बताऊँ सुन ना ले इसका लुक इतनी बढ़िया ना लगे। हाँ इंटीरियर तो मेरे को मैंने एक तो या तो पिक्का देख लिया ना उसके बाद तो मेरे को इतना वो नहीं, अभी एक और देखनी है कहाँ पर। आप यहाँ पे GoPro इंस्टॉल कर सकते हैं, इंस्टॉल करें। ओके ओके सर, वो हमारे यहाँ का भी हैंडल घुमा के होता है। क्योंकि अभी कनाडा में समर्स चल रहे हो, समर्स का मजा तब है जब कोई आप ऐसी गाड़ी ड्राइव कर रहे हो जिसमें पूरी रूफ ही नहीं है, रूफ खुली हुई है ना,
तो उसके लिए एक ऑप्शन में मस्टैंग भी जो है कंसिडर करके चल रही थी, लेकिन मस्टैंग अभी दिखाएंगे ये, और उसमें थोड़ा सा वेटिंग पीरियड है, थोड़ा टाइम मतलब लगेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा हमें। तो एक ये है, ये थोड़ा सा यूज्ड कार है, मतलब 10-20 हज़ार किलोमीटर, ये पूरी बढ़िया हवा है, क्योंकि कनाडा में तो हवा मतलब एयर पोल्यूशन तो है ही नहीं, तो हवा का बढ़िया आप जो है मज़ा ले सकते हो वाइल ट्रैवलिंग, तो उसके करके एक ये ऑप्शन बढ़िया है। कलर इसमें ये है, जो मेन मेरे को देखनी थी वो गाड़ी ये है, लेकिन कलर ये वो नहीं है जो मुझे चाहिए। क्या कुछ की लेने के लिए मैं खाम खाई के चलना कर रही हूँ, लेट्स सी। मैं चलती हूँ, आ जाना, ठीक है, बाय। ये है GT, बैठ के तो जो फील है ना, ये जो ये वाली चीज है वो इस मस्टैंग में ही है, वो ना पिक्के में थी ना ब्रोंको में। पर इसके लिए बहुत सारी चीज़ों की कुर्बानी देनी पड़ेगी, स्पेस की, और ये रियर व्हील ड्राइव है तो स्नो के टाइम पे थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है इसको लेकर के, हम लॉन्ग रूट्स के लिए नहीं निकल सकते तो ये चीज़ें थोड़ा प्रॉब्लम करेंगे। दूसरा, पीछे बैठने वाले बंदे के लिए थार वाला सीन है, ये वाली सीट को आगे करो तो ही कोई पीछे जाके बैठ नहीं पाएगा। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो इसको लेने के लिए थोड़ा सा हमें ये होता है कि भाई ले कि ना लें। और ये वाली भी यूज्ड है, ये ब्रांड न्यू नहीं है, तो इनके पास सारे ऑप्शन हैं यहाँ पे फोर्ड में। अगर आपको यूज्ड लेनी है तो यूज्ड भी है, ब्रांड न्यू लें तो ब्रांड न्यू भी है। और ये सीट देखो ऑटोमेटिक पीछे है भाई, ऑन होएगी तो ऑटोमेटिक आगे आ जाएगी, बंद होगी तो पीछे जाएगी। जो गाड़ी हम लोगों ने देखी या जो हमें था कि इनमें से कोई ऑप्शन हम जिसके लिए हम जा सकते हैं, तो वो हम लोगों ने एक्सप्लोर किया। और अभी फाइनल तो इनमें से तो ऐसा कोई फाइनल नहीं है, जो मॉडल या जो कलर जो कुछ था वो अवेलेबल इनके पास अभी फॉर नाउ अवेलेबल नहीं था। अगर हमें चाहिए भी है तो वो सेप्टेम्बर में जो है आएगी, तो इतना तो हम वेट कर नहीं सकते, समर से चले जाएंगे तो फिर गाड़ी का फ़ायदा क्या है ना। तो मतलब फ़ायदा काम तो बाद में भी, पर मेन पर्पज़ अभी समर्स में हमें वो गाड़ी लेनी है तो उसका है। तो कल और एक और शोरूम जाना है, फिर जो है जो जिसके लिए भी हम जाएंगे वो फाइनल अपने करके और भाई ले ही आएंगे, क्योंकि जितना सोचने में टाइम लगाएंगे ना उतनी सारी चीज़ें डिले होंगी और उतना ही फिर अपने आगे वाले और सारी चीज़ों में डिले होगा, तो ज़्यादा डिले नहीं करेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। एट द एंड हमेशा की तरह मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो। और कमेंट सेक्शन में आप लोग भी थोड़ा सा अपने सजेशंस दीजिए, स्पेशली जो यहाँ पर मतलब कनाडा में रह रहे हैं, जिन्होंने मतलब गाड़ियों के ऑप्शन इतने अच्छे एक्सप्लोर किए, जो हमें मतलब इस पर्पज़ के लिए हमें सजेस्ट कर सकते हैं कि हमें कौन सी गाड़ी के लिए जाना चाहिए, कौन सी और गाड़ी, कौन सी ब्रांड की हमें जो है एक्सप्लोर करनी चाहिए। तो कमेंट सेक्शन में अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए। वो भाई बस मंड जाओ और बताओ मैंने भी, ठीक है, बाय।